हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर नंबर 5, विच इज विमेन चेंज द वर्ल्ड। इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में वी सॉ हाउ वुमेन्स वर्क इन द होम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क। हमने देखा कि महिलाएं घर पर जो काम करती है उसको काम ही नहीं समझा जाता, उतनी रिकॉग्निशन उसको नहीं मिलती है। वी ऑल्सो रीड हाउ डूइंग हाउस होल्ड वर्क एंड टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेंबर्स इज अ फुल टाइम जॉब। हमने ये भी देखा कि कैसे घर का काम करना, फैमिली मेंबर्स को टेक केयर करना, ये एक फुल टाइम जॉब है, पूरे दिन का काम है। एंड देर आर नो स्पेसिफिक आवर्स एट विच इट बिगिंस और एंड्स। दिन का कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि कब ये काम शुरू होता है, कब ये खत्म होता है। अभी इस चैप्टर में हम देखेंगे, वी विल लुक एट वर्क आउटसाइड द होम। हम घर के बाहर के कामों की बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे सम ऑक्यूपेशंस आर सीन टू बी मोर सूटेबल फॉर मेन दैन फॉर वेमेन, कि कैसे कुछ ऑक्यूपेशंस को मेन के लिए ज़्यादा सूटेबल समझा जाता है वेमेन के कंपैरिजन में। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट हाउ वेमेन स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। हम ये भी देखेंगे कि कैसे वेमेन ने स्ट्रगल किया है इक्वालिटी के लिए, मेन के इक्वल होने के लिए। गेटिंग एन एजुकेशन वॉज एंड स्टिल इज वन वे इन विच न्यू अपॉर्चुनिटीज वर क्रिएटेड फॉर वेमेन। तो एजुकेशन जो है ये पहले भी था और अभी भी एक तरीका है जिससे कि वुमेन के लिए नई अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जा सकता है। दिस चैप्टर विल आल्सो ब्रीफली ट्रेस, ये चैप्टर ब्रीफ में ये भी ट्रेस करेगा द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफर्ट्स मेड बाय वुमेन्स मूवमेंट टू चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन इन मोर रिसेंट ईयर्स, कि कैसे जो कुछ मूवमेंट किए हैं, जो आंदोलन हुए हैं वुमेन के, उन्होंने कैसे एफर्ट्स किए हैं रिसेंट कुछ ईयर्स में, पिछले कुछ सालों में वुमेन के साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन भेदभावों को चैलेंज करने के लिए। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एक्टिविटी आपको दी है, हु डज व्हाट वर्क, कौन क्या काम करता है। आपको इमेजेस ड्रॉ करनी है, एक फार्मर की, फैक्ट्री वर्कर की, नर्स की, साइंटिस्ट, पायलट एंड टीचर। उसके बाद आप ये टेबल फिल करेंगे कि आपकी क्लास में कितने बच्चों ने टीचर की इमेज में मेल इमेज को ड्रॉ किया है, कितने बच्चों ने फीमेल इमेज को ड्रॉ किया है। सिमिलरली फार्मर, फैक्ट्री वर्कर, नर्स, साइंटिस्ट एंड पायलट। तो रोजी मैम की जो क्लास है जिसमें 30 चिल्ड्रन हैं, शी डिड द सेम एक्सरसाइज, उन्होंने भी यही एक्सरसाइज की अपनी क्लास में, और देखिए यहाँ पर आपको रिजल्ट्स दिए हैं। सबसे पहले टीचर में 30 में से 5 चिल्ड्रन ने मेल इमेज को ड्रॉ किया और 25 ने फीमेल इमेज को। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि जो फीमेल है उनमें पेशेंस ज़्यादा होता है, सॉफ्ट स्पोकन होती है, जेंटल होती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो जब हम टीचर के बारे में सोचते हैं, एक फीमेल इमेज ध्यान में आती है, उस ऑक्यूपेशन को ज़्यादा सूटेबल समझा जाता है वेमेन के लिए। नेक्स्ट फार्मर को अगर आप देखेंगे, यहाँ पर पूरे 30 चिल्ड्रन ने, सभी बच्चों ने फार्मर में मेल इमेज को ही ड्रॉ किया, किसी ने भी फीमेल इमेज को ड्रॉ नहीं किया। अब एक यहाँ पर पिक्चर आपको दी हुई है और उसके नीचे कुछ डेटा भी है। 83.6% ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया, इंडिया में जितनी भी वर्किंग वुमेन है उनमें से 83.6% आर एंगेज इन एग्रीकल्चर वर्क, वो एग्रीकल्चर के कामों में इन्वॉल्व है। देयर वर्क इंक्लूड्स प्लांटिंग, अब उनके कामों में क्या क्या आता है, क्या वो काम करती हैं, प्लांटिंग, पौधों को प्लांट करना, वीडिंग, उनमें जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको हटाना, हार्वेस्टिंग, कट करना फसल को, थ्रेशिंग मतलब जो ग्रेन्स हैं भूसे से उसको अलग करना। येट वेन वी थिंक ऑफ अ फार्मर वी ओनली थिंक ऑफ अ मैन, लेकिन फिर भी जब हम फार्मर की बात करते हैं तो हम हमेशा एक मैन की इमेज उसमें बनाते हैं। तो फार्मर के रूप में इंडिया में क्या है कि एक ट्रेडिशनल इमेज बन गई है कि वो बैलों को लेकर खेत जोत रहा है। तो प्लॉइंग का जो प्रोसेस है फार्मिंग में बहुत ज़्यादा फिजिकली इंटेंसिव होता है, तो माइंड में बैठ जाता है कि फार्मिंग में बहुत ज़्यादा मैनुअल वर्क है, फिजिकल एफर्ट्स की ज़रूरत है, तो ये काम सिर्फ मैन ही कर सकता है। जबकि एग्रीकल्चर सिर्फ खेत जोतना ही नहीं है, उसमें और भी बहुत सारे काम आते हैं, थ्रेशिंग, प्लांटिंग, इरिगेशन, वीडिंग, जिसमें कि वुमेन इक्वल लेवल पर इन्वॉल्व है। कई जगह तो आपको वो प्लॉइंग करती हुई भी दिख जाएगी। चलिए नेक्स्ट है फैक्ट्री वर्कर, 25 बच्चों ने मेल की इमेज को ड्रॉ किया है और 5 ने फीमेल की इमेज को। इसमें जो डेली वेजेस के वर्कर्स होते हैं फैक्ट्री में तो नहीं, लेकिन आपने कंस्ट्रक्शन साइट पर जरूर देखा होगा कि जितने भी मेन होते हैं इक्वली वुमेन भी उसमें जो वर्कर है एज अ वर्कर वो काम कर रही होती है। नेक्स्ट है नर्स, अगेन 0 किसी भी बच्चे ने नर्स में मेल इमेज को नहीं ड्रॉ किया, सबने ही फीमेल इमेज को किया है। और ये सुनने में भी बड़ा ऑड लगता है जब हम किसी मेल नर्स की बात करते हैं, जबकि अगर आप किसी
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए वहां पर 50-50% जितने मेल नर्सेज है उतनी ही फीमेल नर्सेज आपको मिलेंगी। फिर है साइंटिस्ट 25 मेल इमेज, 5 फीमेल, पायलट में 7 मेल एंड 3 फीमेल। तो ये कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि जिसमें कि हम एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में पर्टिकुलर जेंडर के लोगों को ही देखते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेल और फीमेल दोनों उतने ही केपेबल है किसी भी काम को करने के लिए। तो इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक है फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। अपॉर्चुनिटीज अवसर कम लेकिन एक्सपेक्टेशंस उम्मीदें बहुत रिजिड, बहुत कठोर। अ लॉट ऑफ द चिल्ड्रन इन रोजी मैम्स क्लास ड्रू वुमेन एज नर्सेज। रोजी मैम की क्लास में बहुत सारे बच्चों ने एज नर्सेज वुमेन को ड्रॉ किया और मेन को ड्रॉ किया एज आर्मी ऑफिसर्स। नाउ द रीजन दे डिड दिस इज बिकॉज दे फील दैट आउटसाइड द होम टू। अभी ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनको लगता है कि घर के बाहर भी वुमेन आर गुड एट ओनली सर्टेन जॉब्स, वुमेन सिर्फ कुछ जॉब्स में ही अच्छी है। जैसे कि मेनी पीपल बिलीव, बहुत सारे लोगों का मानना है दैट वुमेन मेक बेटर नर्सेस। वुमेन जो है वो ज़्यादा अच्छी नर्सेस बनती है बिकॉज दे आर मोर पेशेंट, क्योंकि वो ज़्यादा पेशेंट और जेंटल होती है। दिस इज लिंक टू वुमेन्स रोल विद इन द फैमिली, क्योंकि फैमिली में उनका रोल वही है तो उसको ही उन्होंने उनकी जॉब से लिंक कर दिया है। इसी तरीके से ऐसा माना जाता है क्योंकि साइंस रिक्वायर्स अ टेक्निकल माइंड, साइंस में टेक्निकल माइंड की ज़रूरत है एंड गर्ल्स एंड वुमेन आर नॉट केपेबल ऑफ डीलिंग विद टेक्निकल थिंग्स। गर्ल्स और वुमेन जो है वो टेक्निकल थिंग्स के साथ डील करने में केपेबल ही नहीं है, विच ऑब्वियसली इज रॉन्ग। नाउ बिकॉज सो मेनी पीपल बिलीव इन दीज स्टीरियोटाइप्स, क्योंकि इतने सारे लोग इन स्टीरियोटाइप्स में बिलीव करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, मेनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉयज डू टू स्टडी। बहुत सारी गर्ल्स को घर में उतना सपोर्ट नहीं मिलता पढ़ाई के लिए जितना बॉयज को मिलता है एंड ट्रेन टू बिकम डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, और वो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स नहीं बन पाती, उसके लिए उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती क्योंकि पेरेंट्स मानते हैं कि उनके पास टेक्निकल माइंड नहीं है। और ज़्यादातर फैमिलीज में वंस गर्ल्स फिनिश स्कूल, एक बार जब गर्ल्स स्कूलिंग फिनिश करती है दे आर एनकरेज्ड बाय देयर फैमिलीज टू सी मैरिज एज देयर मेन एम इन लाइफ। पेरेंट्स का मानना है, फैमिलीज का मानना होता है कि अब इनकी शादी करा देनी चाहिए। एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया है ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स कि कैसे कुछ वुमेन इन स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करके आगे आई है। इंजन ड्राइवर्स आर मेन, रेलवे में जो इंजन ड्राइवर्स होते हैं ये एक स्टीरियोटाइप है कि वो मेन होते हैं, लेकिन 27 साल की लक्ष्मी लाकरा जो कि एक पुअर ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती हैं झारखंड में, हैज़ बिगन टू चेंज थिंग्स, उन्होंने चीज़ों को चेंज करना शुरू किया। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेलवेज, वो पहली वुमेन इंजन ड्राइवर थी नॉर्दर्न रेलवेज के लिए जो वर्क कर रही थी। लक्ष्मी के जो पेरेंट्स थे दे आर नॉट लिटरेट, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, बट दे स्ट्रगल्ड, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल किया और ओवरकम किया लाइफ में बहुत सारी हार्डशिप्स को, कठिन जो परिस्थितियां आई उनको, टू मेक श्योर देयर चिल्ड्रन गॉट एन एजुकेशन, ये मेक श्योर करने के लिए कि उनके बच्चों को एजुकेशन मिले। लक्ष्मी स्टडीड इन अ गवर्नमेंट स्कूल, लक्ष्मी एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी है। इवन इन स्कूल, स्कूल में भी लक्ष्मी हेल्प विद द हाउस वर्क। अभी गर्ल्स जब पढ़ रही होती है तो ऐसा नहीं कि उन्हें उन्हें अभी घर का काम नहीं करना होता, वो हाउस वर्क में भी हेल्प करती थी, बहुत सारी जॉब्स भी उन्होंने की। शी स्टडीड हार्ड, मेहनत से उन्होंने पढ़ाई की एंड डिड वेल, अच्छा परफॉर्म किया एजुकेशन में एंड देन वेंट ऑन टू गेट अ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा लिया। शी देन टुक द रेलवे बोर्ड एग्जाम, उन्होंने दिया एंड पास्ड इट ऑन हर फर्स्ट अटेम्प्ट, और पहले अटेम्प्ट में उन्होंने उस एग्जाम को पास किया। तो होता क्या है, जब पेरेंट्स थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं गर्ल्स को तो चीज़ें आसान हो जाती है उनके लिए। जो एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख रहे हैं तो लक्ष्मी देखिए क्या कहती है, आई लव चैलेंजेस, मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है एंड द मोमेंट समबडी सेज इट इज़ नॉट फॉर गर्ल्स, और जब कोई कहता है कि ये लड़कियों के लिए नहीं है ये काम, आई मेक श्योर आई गो अहेड एंड डू इट, मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं आगे जाके उस काम को तो करूँ ही। लक्ष्मी हैज़ हैड डू इट डू दिस सेवरल टाइम्स इन हर लाइफ, कई बार उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा किया है कि लोगों ने कहा ये लड़कियों का काम नहीं है और उन्होंने किया। जैसे कि व्हेन शी वांटेड टू टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, जब वो इलेक्ट्रॉनिक्स ले रही थी तब लोगों ने ऐसा ही कहा कि टेक्निकल माइंड है गर्ल्स नहीं कर पाएंगी, बट उन्होंने किया। व्हेन शी रोड मोटरसाइकिल एट द पॉलिटेक्निक, जब उन्होंने मोटरसाइकिल चलाना सीखा। व्हेन शी डिसाइडेड टू बिकम एन इंजन ड्राइवर, जब उन्होंने इंजन ड्राइवर बनने का डिसाइड किया। हर फिलॉसफी इज सिंपल, उनकी लाइफ फिलॉसफी बड़ी सिंपल है। एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनीवन, जब तक मैं मुझे किसी चीज़ में अच्छा लग रहा है, मैं किसी को हार्म नहीं कर रही हूँ। एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल एंड हेल्पिंग माई पेरेंट्स, जब तक मैं लाइफ में अच्छा कर रही हूँ, पेरेंट्स जो है उनकी हेल्प कर रही हूँ, वाई शुड आई
नॉट लीड द लाइफ अ लाइफ स्टाइल ऑफ माई चॉइस, तो मैं अपनी चॉइस का लाइफ स्टाइल क्यों ना लीड करूं। नाउ इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये समझना बहुत जरूरी है, दैट वी लिव इन अ सोसाइटी इन विच ऑल चिल्ड्रन फेस प्रेशर्स फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड देम। यहाँ पर हम सिर्फ गर्ल्स की बात नहीं कर रहे हैं, सभी बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है, चाहे वो गर्ल्स हैं या फिर बॉयज हैं, कि वो प्रेशर फील करते हैं जो उनके चारों तरफ वर्ल्ड है उससे। कई बार दीज कम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स फ्रॉम एडल्ट्स, कई बार एडल्ट्स की जो डिमांड्स हैं वो प्रेशर प्रेशराइज करती हैं बच्चों को। कई बार एट अदर टाइम्स दे कैन जस्ट बी बिकॉज ऑफ अनफेयर टीजिंग बाय आर ओन फ्रेंड्स, कई बार अनफेयर टीजिंग होती है, उनके खुद के फ्रेंड्स उन्हें टीज करते हैं। बॉयज आर प्रेशराइज टू थिंक अबाउट गेटिंग अ जॉब, बॉयज के ऊपर बचपन से ही प्रेशर होता है कि आपको अर्निंग मेंबर बनना है फैमिली का, जॉब जो है बड़े होके आपको करनी है, दैट विल पे अ गुड सैलरी, ऐसी जॉब जिससे कि अच्छी सैलरी मिले। दे आर ऑल्सो टीज्ड एंड बुलीड इफ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज, दूसरे बॉयज के जैसे अगर वो बिहेव नहीं करेंगे तो बाकी जो उनके फ्रेंड्स हैं कलीग्स हैं वो उनको बुली करेंगे, टीज करेंगे। यू मे रिमेंबर दैट इन क्लास सिक्स, आपको याद होगा सिक्स क्लास की बुक में आपने पढ़ा था अबाउट हाउ बॉयज एट एन अर्ली एज आर एनकरेज नॉट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ अदर्स, कहा जाता है ना कि बॉयज को रोना नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि दोनों ही जेंडर को प्रेशराइज करती है टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। अभी नीचे एक एग्जाम्पल आपको दिया है जेवियर का, हु वॉज हैप्पी विद द रिजल्ट ऑफ हिज क्लास टेंथ बोर्ड एग्जाम, क्लास टेंथ के बोर्ड एग्जाम से का जो रिजल्ट है उससे जेवियर खुश है। दो हिज मार्क्स इन साइंस एंड मैथ्स वर नॉट हाई, साइंस और मैथ्स में उसके मार्क्स अच्छे नहीं है, ही हैड डन वेल इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट्स, उसके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री और लैंग्वेज, उसमें उसने अच्छा किया है। व्हेन हिज पेरेंट्स सॉ हिज रिपोर्ट कार्ड, जब पेरेंट्स रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, हाउएवर दे डिड नॉट लुक प्लीज्ड एट ऑल, वो उससे खुश नहीं है। अभी जेवियर की मदर रिपोर्ट कार्ड देखते हैं तो वो कहती है माई गुडनेस जेवियर यू हैव मैनेज्ड ओनली 65% इन मैथ्स, मैथ्स में तुम्हारे सिर्फ 65% आए हैं और फिजिक्स में भी जो मार्क्स हैं वो कम है। तो जेवियर कहता है आई नो मामा बट इट्स ओके, ये ठीक है बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू टेक मैथ्स और साइंस, क्योंकि मुझे मैथ्स और साइंस लेना ही नहीं है, आई वॉन्ट टू स्टडी हिस्ट्री, मुझे हिस्ट्री को पढ़ना है। वाई डू यू वॉन्ट टू टेक हिस्ट्री, उनके फादर कहते हैं कि हिस्ट्री तुम्हें क्यों पढ़ना है, थिंक अबाउट योर फ्यूचर, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, यू हैव टू गेट अ गुड जॉब, तुम्हें एक अच्छी जॉब करनी है, हिस्ट्री विल नॉट हेल्प, हिस्ट्री उसमें हेल्प नहीं करेगी, इट हैज नो स्कोप, उसका कोई स्कोप नहीं है। बट आई डोंट लाइक मैथ्स एंड और साइंस, लेकिन मुझे मैथ्स और साइंस पसंद ही नहीं है, बी सेंसिबल सन, टेक मैथ्स, सेंसिबल बनो, मैथ्स लो एंड यू कैन स्टडी कंप्यूटर्स साइड बाई साइड, तुम कंप्यूटर्स भी पढ़ सकते हो, द जॉब मार्केट फॉर कंप्यूटर्स इज वेरी हाई, आजकल जो जॉब मार्केट है कंप्यूटर्स में वो बहुत ज्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है लर्निंग फॉर चेंज, लेकिन यहाँ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी है तो पहले उसे देखते हैं। रमाबाई 1858 टू 1922 शोन अबव विद हर डॉटर चैम्पियन द कॉज ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, यहाँ पर आपको पिक्चर दी है रमाबाई की उनकी डॉटर के साथ जो कि 1858 से 1922 तक एक्टिव थी। शी नेवर वेंट टू स्कूल, रमाबाई कभी स्कूल नहीं गई बट लर्न टू रीड एंड राइट फ्रॉम हर पेरेंट्स, लेकिन उन्होंने अपने पेरेंट्स से पढ़ना और लिखना सीखा एंड शी वॉज गिवन द टाइटल पंडिता, और उनको पंडिता का टाइटल मिला पंडिता रमाबाई, बिकॉज शी कुड रीड एंड राइट संस्कृत, क्योंकि वो संस्कृत को पढ़ सकती थी लिख सकती थी, अ रिमार्केबल अचीवमेंट एज वुमेन देन, हम बात कर रहे हैं 1858 की, तो ये उस टाइम पर एक अचीवमेंट के जैसा था किसी भी वुमेन के लिए, जबकि उनको अलाउड ही नहीं था हैविंग सच नॉलेज कि वो पढ़ सके लिख सके। शी वेंट ऑन टू सेटअप अ मिशन, उसके बाद उन्होंने एक मिशन को सेटअप किया खेड़ गाँव में नियर पुणे इन 1898, जहाँ पर जो विडोज विधवा महिलाएं थी एंड पुअर वुमेन थी, देवर एनकरेज नॉट ओनली टू बिकम लिटरेट, उनको एनकरेज किया जाता था सिर्फ पढ़ने लिखने के लिए ही नहीं बट टू बी इंडिपेंडेंट, लेकिन इंडिपेंडेंट बनने के लिए, जो किसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देवर टॉट अ वेराइटी ऑफ स्किल्स, बहुत सारे स्किल्स उनको सिखाई जाती थी, कारपेंट्री से लेकर रनिंग अ प्रिंटिंग प्रेस, कि एक प्रिंटिंग प्रेस को कैसे लर्न करना है, और आप देखेंगे कि ये ऐसे स्किल्स हैं जो अक्सर आजकल भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, मुश्किल से ही एज अ कारपेंटर या फिर किसी प्रिंटिंग प्रेस में आपको कोई वुमेन काम करती हुई नजर आएगी, ये उस टाइम पर रमाबाई सिखा रही थी वुमेन को। द प्रिंटिंग प्रेस कैन बी सीन इन द पिक्चर ऑन द लेफ्ट
ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको इसकी एक पिक्चर भी दी है। रमाबाई का जो मिशन है वो आज भी एक्टिव है। सो ये वो प्रिंटिंग प्रेस की पिक्चर है और इसमें आप देखेंगे कि सभी वुमेन वर्कर्स ही हैं। चलिए टॉपिक पर आते हैं। गोइंग टू स्कूल इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। स्कूल जाना आप सभी की लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल एवरी ईयर, हर साल ज़्यादा ज़्यादा बच्चे स्कूल आते जाते हैं। वी बिगिन टू थिंक दैट इट इज़ नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। तो हमें लगने लगा है कि स्कूल जाना तो नॉर्मल है सभी बच्चों के लिए, बच्चे स्कूल जाते ही हैं। टुडे इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन, आजकल हमारे लिए ये इमेजिन करना, ये सोचना भी बड़ा मुश्किल होगा, दैट स्कूल एंड लर्निंग कुड बी सीन एज आउट ऑफ बाउंड्स, कि स्कूल जाना या फिर पढ़ाई करना सीखना ये आउट ऑफ बाउंड्स, पहुँच के बाहर भी हो सकते हैं और नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सम चिल्ड्रन, या फिर कुछ बच्चों के लिए कहा जाता है कि पढ़ना सीखना इन अप्रोप्रिएट है। बट इन द पास्ट, लेकिन पास्ट में द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वॉज नोन टू ओनली अ फ्यू, कुछ ही लोग थे जो कि पढ़ना लिखना जानते थे। मोस्ट चिल्ड्रन लर्न्ड द वर्क देयर फैमिलीज और एल्डर्स डू, ज़्यादातर बच्चे वही काम सीखते थे जो कि उनकी फैमिली कर रही है या फिर घर में बड़े लोग करते थे। फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वॉज वर्स, और गर्ल्स के लिए ये सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब थी। इन कम्युनिटीज दैट टॉट सन्स टू रीड एंड राइट, उन कम्युनिटीज में जहाँ पर बेटों को, लड़कों को पढ़ना और लिखना सिखाया जाता था, डॉटर्स वर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फाबेट, डॉटर्स को अलाउड ही नहीं था कि वो अल्फाबेट्स को भी लर्न कर सकें। इवन इन फैमिलीज वेयर स्किल्स लाइक पॉटरी, वीविंग एंड क्राफ्ट वर टॉट, इवन उन फैमिलीज में भी जहाँ पर स्किल्स बच्चों को सिखाई जाती थी जैसे कि पॉटरी, मिट्टी के बर्तन बनाना, वीव करना, बुनना सीखना या फिर दूसरे क्राफ्ट का काम, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर्स एंड वुमेन वॉज ओनली सीन एज सपोर्टिव, डॉटर्स का और वुमेन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो सिर्फ सपोर्टिव था, यानी कि स्किल में भी जो सबॉर्डिनेट स्किल है वो सिर्फ उनको सिखाई जाती थी। एक एग्जाम्पल आपको दिया, जैसे कि इन पॉटरी ट्रेड, मान लीजिए कोई पॉटर है, कुम्हार है, वुमेन कलेक्टेड द मड, वुमेन मिट्टी जो है उसको इकट्ठा करेगी, उसको प्रिपेयर करेगी फॉर द पॉट्स, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील, लेकिन जो व्हील होता है, पॉटर्स व्हील, जो चाक होता है उसको वो ऑपरेट नहीं कर रही है, वो मैन ही ऑपरेट करेगा। दे वर नॉट सीन एज पॉटर्स, तो वुमेन को हम एज पॉटर्स नहीं देखते। इन द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में मतलब 1801 टू 1900, मैनी न्यू आइडियाज अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग इमर्ज्ड, बहुत सारे नए आइडियाज एजुकेशन के बारे में, लर्निंग के बारे में इमर्ज हुए। स्कूल्स बिकेम मोर कॉमन, एंड स्कूल ज़्यादा कॉमन हमें देखने को मिलने लगे, ज़्यादा स्कूल ओपन होने लगे, और कम्युनिटीज दैट हैड नेवर लर्न्ड रीडिंग एंड राइटिंग स्टार्टेड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, और वो कम्युनिटीज़ जिसमें पहले कभी भी जिन्होंने रीडिंग या राइटिंग नहीं सीखी, उन्होंने भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया। बट देयर वॉज अ लॉट ऑफ अपोजिशन टू एजुकेटिंग गर्ल्स इवन देन, लेकिन तब भी गर्ल्स को एजुकेट करने को बहुत सारे लोग अपोज कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे। येट मैनी वुमेन, लेकिन बहुत सारी वुमेन एंड मैन मेड एफर्ट्स, उन्होंने एफर्ट्स किए टू ओपन स्कूल्स फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए स्कूल को ओपन किया। वुमेन स्ट्रगल्ड टू लर्न टू रीड एंड राइट, तो वुमेन ने स्ट्रगल किया है पढ़ना और लिखना सीखने के लिए भी। नाउ लेट अस रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ राश सुंदरी देवी फ्रॉम 1800 टू 1890। अभी हम राश सुंदरी देवी के एक्सपीरियंसेस के बारे में रीड करेंगे जो कि 1800 टू 1890 एक्टिव थी। हु वॉज बॉर्न इन वेस्ट बंगाल, में ये पैदा हुई थी सम 200 ईयर्स अगो, आज से लगभग 200 साल पहले। एट द एज ऑफ 60, 60 साल की उम्र में शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला, बांग्ला में इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। हर बुक टाइटल्ड, इनकी बुक का नाम था अमार जीवन, माई लाइफ मेरा जीवन, इज द फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन, इंपॉर्टेंट है, ये पहली ऑटोबायोग्राफी है किसी इंडियन वुमेन की। राज सुंदरी देवी वॉज अ हाउस वाइफ, वो एक हाउस वाइफ थी फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड्स फैमिली, एक अमीर लैंडलॉर्ड की, जमींदार की फैमिली से। एट दैट टाइम, उस टाइम पर इट वॉज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता था दैट इफ अ वुमेन लर्न टू रीड एंड राइट, अगर कोई वुमेन पढ़ना या लिखना सीखती है, शी वुड ब्रिंग बैड लक टू हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड के लिए बैड लक लेकर आती है, एंड बिकम अ विडो, और विधवा हो जाती है। डिस्पाइट दिस, इसके बाद भी शी टॉट हर सेल्फ हाउ टू रीड एंड राइट इन सीक्रेट, उन्होंने सीक्रेटली अपने आप को पढ़ना और लिखना सिखाया, खुद ही सीखा, वेल आफ्टर हर मैरिज, अपनी शादी के बाद। अभी वो अपना एक्सपीरियंस बता रही है, आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डॉन, मैं सुबह सवेरे काम करना शुरू करती थी, एंड आई वुड स्टिल बी एट इट अंटिल वेल बियॉन्ड मिडनाइट,
और आधी रात के बाद तक वो घर के कामों में ही लगी रहती थी। आई हैड नो रेस्ट इन बिटवीन, बीच में कोई रेस्ट भी मुझे नहीं मिलता था। आई वॉज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम, उस टाइम पर वो सिर्फ 14 ईयर्स की थी। आई केम टू नर्चर अ ग्रेट लॉन्गिंग, लेकिन उनकी एक इच्छा थी, आई वुड लर्न टू रीड, कि मैं पढ़ना सीखूंगी। एंड आई वुड रीड अ रिलीजियस मनुस्क्रिप्ट, और एक रिलीजियस मनुस्क्रिप्ट उनको पढ़ना था। आई वॉज अनलकी, लेकिन मैं बहुत ही अनलकी थी इन दोज डेज। उन दिनों में वुमेन वर नॉट एजुकेटेड, वुमेन एजुकेटेड नहीं थी। लेटर बाद में आई बिगैन टू रिजेंट माई ओन थाट्स, खुद के थाट्स से थोड़ा रिजेंटफुल ये होने लगी, अपने विचारों के लिए ही इन्हें बुरा लगने लगा। वॉट इज रॉन्ग विद मी, मुझे क्या हुआ है, वुमेन डू नॉट रीड, औरतें पढ़ती नहीं हैं। हाउ विल आई डू इट, मैं ये कैसे कर सकती हूँ। देन आई हैड अ ड्रीम, फिर इनको एक सपना आया। आई वॉज रीडिंग द मनुस्क्रिप्ट, सपने में ये एक मनुस्क्रिप्ट पढ़ रही थी ऑफ चैतन्य भागवत। ये एक मनुस्क्रिप्ट है लाइफ ऑफ अ सेंट, एक सेंट की, साधु संत की लाइफ के ऊपर। लेटर इन द डे, बाद में दिन में, एज आई सैट कुकिंग इन द किचन, जब मैं किचन में बैठकर खाना बना रही थी, आई हर्ड माई हस्बैंड, मैंने सुना कि मेरे हस्बैंड उनके जो एल्डेस्ट सन है, सबसे बड़े बेटे हैं, उनको कह रहे हैं, बिपिन आई हैव लेफ्ट माई चैतन्य भागवत हेयर, मैंने यहाँ पर अपनी चैतन्य भागवत को रखा है। व्हेन आई आस्क फॉर इट, जब मैं इसे मंगाऊँ, ब्रिंग इट इन, इसको अंदर ले आना। ही लेफ्ट द बुक देयर, उन्होंने वो बुक वहीं पर रख दी एंड वेंट अवे, और चले गए। व्हेन द बुक हैड बीन टेकन इनसाइड, जब उस बुक को अंदर ले जाया गया, आई सीक्रेटली टुक आउट अ पेज एंड हिड इट केयरफुली, मैंने चुपचाप से उसका एक पेज निकाला और बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से उसको छुपा दिया। इट वॉज अ जॉब हाइडिंग इट, उसको छुपाना भी एक बड़ा काम था। फॉर नो बडी मस्ट फाइंड इट इन माई हैंड्स, किसी को भी उनके हाथ में वो पेज कोई ना देख ले। माई एल्डेस्ट सन वॉज प्रैक्टिसिंग हिज अल्फाबेट्स एट दैट टाइम, उस टाइम पर मेरा जो सबसे बड़ा बेटा था वो अल्फाबेट्स को प्रैक्टिस कर रहा था। आई हिड वन ऑफ देम एज वेल, उन्होंने उसका भी एक पेज छुपा दिया। एट टाइम्स, कई बार, आई वेंट ओवर दैट, मैं उसको देखती थी पेज को, ट्राइंग टू मैच लेटर्स फ्रॉम दैट पेज, उस पेज से लेटर्स को वो मैच करती थी विद द लेटर्स दैट आई रिमेम्बर, जो लेटर्स उनको याद होते थे। आई ऑल्सो ट्राई टू मैच द वर्ड्स विद दोज, उसके बाद वर्ड्स को उन्होंने मैच करना शुरू किया उन वर्ड्स के साथ जो कि वो अपने डे टू डे लाइफ में सुनती थी। विद ट्रिमेंडस केयर एंड एफर्ट, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने के बाद और एफर्ट्स के बाद, एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद, आई लर्न हाउ टू रीड, मैंने पढ़ना सीखा। आफ्टर लर्निंग द अल्फाबेट, अल्फाबेट को लर्न करने के बाद, राश सुंदरी देवी वॉज एबल टू रीड द चैतन्य भागवत को वो पढ़ पाई। थ्रू हर ओन राइटिंग, और उनकी राइटिंग की वजह से, शी ऑल्सो गेव द वर्ल्ड एन अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड को उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो भी रीड कर पाए अबाउट वुमेन्स लाइफ इन दोज डेज, कि उन दिनों में वुमेन की लाइफ कैसी थी। राश सुंदरी देवी रोट अबाउट हर एवरी डे लाइफ एक्सपीरियंसिस इन डिटेल, डे टू डे लाइफ के जो उनके एक्सपीरियंसिस थे उसके बारे में उन्होंने डिटेल में लिखा है। देर वर डेज, वो बताती है कि ऐसे भी दिन थे वेन शी डिड नॉट हैव अ मोमेंट्स रेस्ट, एक पल का भी रेस्ट उनको नहीं मिलता था। नॉट नो टाइम इवन टू सिट डाउन एंड ईट, कि वो आराम से बैठ के खाना भी खा सके। अभी एक और पिक्चर दी है, अनलाइक राश सुंदरी देवी एंड रुकैया हुसैन का एक और एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इसको हम बाद में रीड करेंगे। तो इनके बिल्कुल ऑपोजिट, जिनको अलाउड नहीं था पढ़ना और लिखना सीखना, आजकल हम देखेंगे लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो स्कूल को अटेंड करती हैं इंडिया में, लेकिन इसके बाद भी देयर कंटिन्यू टू बी मेनी गर्ल्स, बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जो कि जिनको स्कूल को लीव करना पड़ता है बहुत सारे रीजंस की वजह से, पॉवर्टी वो रीज़न हो सकता है, इन एडिक्वेट स्कूलिंग फैसिलिटीज, आसपास कोई स्कूल नहीं है, या फिर डिस्क्रिमिनेशन, प्रोवाइडिंग इक्वल स्कूलिंग फैसिलिटीज टू चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज एंड क्लास बैकग्राउंड्स, हर क्लास बैकग्राउंड के और कम्युनिटी के बच्चों को स्कूलिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, और स्पेशली पर्टिकुलरली गर्ल्स को, कॉन्टिन्यूज टू बी चैलेंज इन इंडिया, ये अभी भी एक चैलेंज, एक चुनौती है इंडिया में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, रिमेनिंग जो टॉपिक्स रह गए हैं इस चैप्टर के, वो हम पार्ट टू में कवर करेंगे। होपफुली यहाँ तक चैप्टर आपको क्लियर हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।